हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी फायर करियर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 31 करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन है तथा आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। दोस्तों ये सस्ती रेलवे NTPC DRDO UP पुलिस लेखपाल इंडियन नेवी टेट और वन डे स्टेट लेवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को अपने स्टेडियो ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, हमें आशा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए पुर्तगाल। दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का रहने वाला है। दोस्तों वास्को डी गामा दोस्तों भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 1497 में चला। दोस्तों और वह दोस्तों अंतर आशा दोस्तों केप ऑफ गुड है। दोस्तों केप ऑफ गुड होट भी इसे कहते हैं या आशा अंतरी द्वीप भी कहते हैं। दोस्तों को पार करता हुआ दोस्तों 17 मई 1498 में दोस्तों केरल के दोस्तों कालीकट नामक स्थान पर भारत पहुंच गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, ऑप्शन ए राल्टा बिता, ऑप्शन बी सर जॉन सोर, ऑप्शन सी सर थॉमस रो, ऑप्शन डी सर जॉन। दोस्तों क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सर थॉमस रो। दोस्तों सर थॉमस रो वह पहले अंग्रेज थे जिन्होंने दोस्तों जहांगीर से दोस्तों आकर दरबार में भेंट किया। दोस्तों सर थॉमस रो के बारे में एक खास बात है, वहाँ के मुगल दरबारी भाषा फारसी भाषा और उर्दू भाषा का जानकार था। दोस्तों और वह भारत में व्यापार करने के लिए और अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए दोस्तों जहांगीर से कुछ जमीनें भी की मांग भी की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन बी पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन सी डच द्वारा, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगालियों। दोस्तों गोवा दमन और द्वीप पर उपनिवेशीकरण दोस्तों मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया। दोस्तों गोवा दमन और द्वीप पर उपनिवेशीकरण दोस्तों फ्रांसीसियों को पुर्तगालियों को दोस्तों सॉरी दोस्तों पुर्तगालियों के तीसरे गवर्नर डी कुन्हा के द्वारा किया गया। दोस्तों डी कुन्हा दोस्तों पुर्तगालियों के तीसरे गवर्नर थे। दोस्तों उन्हें दोस्तों गोवा दमन द्वीप महादेव पुदुचेरी पर दोस्तों उनका उपनिवेशीकरण किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था, ऑप्शन ए राजा जमोरिन से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। दोस्तों क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बीजापुर के सुल्तान। दोस्तों अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना। दोस्तों उसमें बीजापुर के सुल्तान दोस्तों यूसुफ आदिल शाह से दोस्तों अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वह पुर्तगाली कौन था जिसने ने गोवा पर अधिकार किया था, ऑप्शन ए फ्रांसिस डी अल्मीडा, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्फांसो अल्बुकर्क, ऑप्शन डी राबर्ट डी नोबिली। दोस्तों क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क वह पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने गोवा पर अधिकार किया था। दोस्तों उन्होंने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। दोस्तों और दोस्तों अल्फांसो अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक ही कहा जाता है। दोस्तों वे पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक थे। दोस्तों और दोस्तों इनकी मृत्यु भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु दोस्तों गोवा में ही मृत्यु हुई थी और दोस्तों इन्हें यहीं पर दफन किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी सर जॉन सोर, ऑप्शन डी लॉर्ड मार्क्विज ऑफ हेस्टिंग। दोस्तों क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग। दोस्तों वारेन हेस्टिंग ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। दोस्तों इनकी पहली कंपनी सूरत में स्थापित की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी पुर्तगाल। दोस्तों क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी पुर्तगाल। दोस्तों यूरोपीय में दोस्तों सबसे पहले भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से दोस्तों व्यापार अपना फैलाया और विस्तारित करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों कहीं जाता है। दोस्तों पुर्तगालियों दोस्तों उन्होंने पहली कंपनी दोस्तों 1503 ईस्वी में दोस्तों कोच्ची में स्थापित की गई थी।
दोस्तों 15 दिन में कुछ ही दोस्तों वास्को डी गामा, दोस्तों वास्को डी गामा ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मंगलौर, ऑप्शन डी कोचीन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कालीकट। दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत में कालीकट, दोस्तों केरल के, दोस्तों ये केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचे। दोस्तों उस समय केरल के राजा दोस्तों राजा जमुरीन थे। दोस्तों एक हिंदू राजा थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अकबर से, ऑप्शन बी जहांगीर से, ऑप्शन सी शाहजहां से, ऑप्शन डी औरंगजेब से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर से। दोस्तों ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री दोस्तों सूरत में स्थापित करने के लिए दोस्तों जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मैगलन्स, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी थॉमस मूर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी वास्को डी गामा। दोस्तों भारत में दोस्तों भारत का समुद्री मार्ग की खोज करने से दोस्तों वास्को डी गामा को जो था। दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत की खोज दोस्तों 17 मई 1498 ईस्वी में भारत की जल मार्ग से खोज की थी। दोस्तों जबकि दोस्तों कोलंबस दोस्तों स्पेन, दोस्तों ये स्पेन देश का निवासी, दोस्तों इन्होंने भारत की खोज करना चाहा लेकिन दोस्तों ये भटक कर दोस्तों अमेरिका की खोज की। दोस्तों इसलिए अमेरिका की खोज का सिर्फ दोस्तों कोलंबस को जाता है। दोस्तों इन्होंने अमेरिका की खोज दोस्तों 1494 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के समाप्ति की संधि से हुई? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी वेसिन की संधि, ऑप्शन सी एला साफलिक संधि, ऑप्शन डी सूरज की संधि। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पेरिस की संधि। दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति दोस्तों पेरिस की संधि के बाद ही हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने भारत में आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन बी धर्मांतरण कराना, ऑप्शन सी राज्य स्थापित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त करना। दोस्तों पुर्तगाली युद्ध व्यापारी कंपनी दोस्तों काली मिर्च व व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए किए थे। दोस्तों इन्होंने दोस्तों वास्को डी गामा, दोस्तों वास्को डी गामा जब 1499 वापस जाने लगे अपने देश दोस्तों, तो राजा जमुरीन द्वारा दोस्तों उन्हें उपहार स्वरूप दोस्तों मसाले दिए गए। दोस्तों जब वास्को डी गामा वहाँ के जाके अपने मंडियों बाजारों में जब मसालों की बिक्री किए दोस्तों, आने जाने के खर्च काट कर दोस्तों इन्हें 60 गुना का लाभ प्राप्त हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ऑप्शन ए कालीकट या कोझिकोड के राजा जमुरीन ने, ऑप्शन बी कन्नानूर के कोलाथिरी ने, ऑप्शन सी कोचीन के नायर ने, ऑप्शन डी त्रावणकोर ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कालीकट कोझिकोड के राजा जमुरीन। दोस्तों 17 मई 1498 जब वास्को डी गामा भारत में आए थे दोस्तों, तब वहां के राजा जमुरीन ने उनका स्वागत किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी कन्नानूर। दोस्तों क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीकट। दोस्तों पुर्तगालियों ने दोस्तों अपनी सर्वप्रथम फैक्ट्री दोस्तों कालीकट में स्थापित किया। दोस्तों ये कालीकट दोस्तों केरल में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1717 ईस्वी में कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए फरमान जारी किया? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी सहादर शाह, ऑप्शन डी फर्रुख सियर। दोस्तों क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी फर्रुख सियर। दोस्तों फर्रुख सियर द्वारा दोस्तों 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने वाला दोस्तों मुगल शासक फर्रुख सियर ही थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन ए माधव राव ने, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन सी बाजीराव फर्स्ट ने, ऑप्शन डी बाजीराव सेकंड ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी बाजीराव सेकंड ने। दोस्तों ब्रिटिश के साथ दोस्तों वेसिन की संधि दोस्तों बाजीराव सेकंड ने की थी, दोस्तों जो एक पेशवा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए बेंटिक, ऑप्शन बी कार्नवालिस, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी वेलेस्ली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर ऑप्शन सी हेस्टिंग्स। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी दोस्तों इसे ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ऑप्शन ए फ्रांसिसो डी अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी वाल्गुकर, ऑप्शन सी नूनो द कुन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस डी अल्मीडा। दोस्तों फ्रांसिस डी अल्मीडा देखो ऐसे थे गवर्नर थे जिन्होंने दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी फ्रांसिस डी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्फांसो डी वाल्गुकर। दोस्तों क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसिस डी अल्मीडा। पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर भारत में सरकार द्वारा फ्रांसिस डी अल्मीडा को बनाया गया था। ये 1509 ईस्वी के बीच में भारत के पहले गवर्नर के रूप में कार्य किए जबकि द्वितीय गवर्नर की बात की जाए तो अल्फांसो डी अल्गुकर। दोस्तों अल्फांसो डी अल्गुकर को द्वितीय गवर्नर थे। दोस्तों ये 1509 ईस्वी में से 1515 ईस्वी तक अपना गवर्नर पद पे थे। दोस्तों अल्फांसो डी अल्गुकर को ही दोस्तों पुर्तगालियों का दोस्तों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों जबकि दोस्तों एक लास्ट गवर्नर दोस्तों इनके डी कुन्हा दोस्तों इनके अंतिम गवर्नर थे। ये 1529 से 1538 के बीच में डी कुन्हा ने पुर्तगालियों के गवर्नर के रूप में दोस्तों ये पुर्तगालियों के अंतिम गवर्नर थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सैली या स्वाली के स्थान पर हराया? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस वेस्ट, ऑप्शन सी थॉमस रो, ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। दोस्तों क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी थॉमस वेस्ट। दोस्तों थॉमस वेस्ट ने दोस्तों अंग्रेज ने पुर्तगालियों को दोस्तों स्वाली नामक स्थान पर हराया थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हॉकिंस। दोस्तों कैप्टन हॉकिंस एक दोस्तों अंग्रेज थे। जहांगीर ने इनको खान की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उस क्षेत्र की पहचान कर जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास एंड चेन्नई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिहार। दोस्तों यूरोपीय वासियों को दोस्तों सर्वोत्तम सोरा और अफीम दोस्तों उस समय प्राचीन समय में दोस्तों बिहार से ही प्राप्त होता था। दोस्तों जबकि दोस्तों आप दोस्तों अफीम की बात दोस्तों अफीम की बात करें तो सबसे ज्यादा दोस्तों ये अफगानिस्तान दोस्तों अफगानिस्तान में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बंगाल के हुगली, ऑप्शन सी अरकाट, ऑप्शन डी सूरत। दोस्तों क्वेश्चन 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी सूरत। दोस्तों 1612 ईस्वी में दोस्तों सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति के बाद में अंग्रेजों ने स्थापित सूरत में की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम फर्स्ट, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। दोस्तों क्वेश्चन 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करी। दोस्तों दीवानी प्रदान करने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय को जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिनसुरा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी श्रीरामपुर। दोस्तों क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हुगली। हुगली में ही दोस्तों बंगाल के हुगली नाम में स्थान पर दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी फैक्ट्री। दोस्तों जबकि इनकी दोस्तों पहली फैक्ट्री दोस्तों स्थापित 1503 ईस्वी में दोस्तों वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी दोस्तों केरल में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों क्वेश्चन 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों मुंबई एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। दोस्तों मुंबई की दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य की कैपिटल है मुंबई। दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 1 मई 1960 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों इसमें दोस्तों प्रेजेंट टाइम में दोस्तों मुंबई की बात करें दोस्तों इसमें कुल 36 जिले हैं। दोस्तों इस समय 36 जिले हैं
दोस्तों ये क्षेत्रफल के अनुसार ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे? ऑप्शन है अंग्रेजों को, ऑप्शन है पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी डचों को, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगालियों को। दोस्तों भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय दोस्तों पुर्तगालियों को जाता है। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम तंबाकू प्रचलन पुर्तगाली के ही किए थे दोस्तों और तंबाकू के साथ साथ दोस्तों पुर्तगालियों ने आलू, कटहल, लौकी, अनानास, अमरूद, संतरा, लीची दोस्तों और पपीता दोस्तों भारत में लाने का श्रेय दोस्तों पुर्तगालियों को ही जाता है। दोस्तों और दोस्तों भारत में दोस्तों सर्वप्रथम 1597 ईस्वी में दोस्तों भारत में पुस्तक छापने का दोस्तों से पुर्तगालियों को ही जाता है। दोस्तों इन्होंने 1597 ईस्वी में दोस्तों बाइबिल नामक पुस्तक छापे थे दोस्तों सर्वप्रथम। दोस्तों और दोस्तों विश्व में दोस्तों तंबाकू के सबसे ज्यादा दोस्तों उत्पादक उपभोक्ता की बात करें दोस्तों चीन देश। दोस्तों चीन देश की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादक उपभोक्ता है तंबाकू का। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और हमारे वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलेगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी कमेंट रह गई हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक समझ दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।